bismillahirrahmanirrahim rahman rahim as alaikum dear students welcome to my youtube channel आज हरेंगे एम टी सिक्स डबल थ्री की असाइनमेंट नंबर वन का सलूशन आई होप सो के ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे एक दफ़ा वीडियो को कंप्लीट देख लें ताकि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो उसको भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें तो इंस्ट्रक्शन तो वही पुरानी है आपको अच्छे तरीके से पता होंगे आप ख़ुद भी इनको रीड कर सकते हैं जस्ट इतना बता दूँ कि ये जो आपकी असाइनमेंट है ये आपकी फ़र्स्ट टेन लेक्चर से मतलब फर्स्ट टेन जो टॉपिक्स हैं मॉड्यूल्स हैं हमारे एम टी सिक्स डबल थ्री की उनमें से आई है तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें हमने क्या करना है जनरेटर्स ऑफ जी नाइन यहाँ पे थ्री मार्क्स आपके यानी नाइन यहाँ पे जो नाइन है ये आपका मॉडल है मैं अपने लेक्चर में अच्छे तरीके से फुल डिटेल से आपको ये कंसेप्ट दे चुकी हूँ अगर अभी तक आपने लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप एक दफा लाजमी उनको सुन लें तो हमने सबसे पहले इसके जनरेटर जो हैं वो लिख दिए जी नाइन के जैसे कि हमें पता है कि अगर अप टू एन टर्म्स तक होंग हों हो, तो जीरो टू एन माइनस वन टर्म्स तक हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो जी नाइन के जनरेटर्स आएंगे वो जीरो से लेकर एट तक पहले आएंगे देन हम इनको सेटिसफाई करेंगे कि इनका जो जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो सबका वन आता है या नहीं तो वो सारा तरीका भी मैं आपको लेक्चर में समझा चुकी हूँ तो इसमें जो थ्री है जो एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है तो थ्री जो है इसका जी आपके पास जो है इसके इक्वल नहीं आता है तो थ्री में थ्री जो है वो इसके ऑर्डर में नहीं होगा और जितने भी प्राइम नंबर होंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे नाइन के वो इसके जनरेटर्स में आएंगे लाइक अगर आप यहाँ पे देखें ये मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया अगर आप ये थ्री जो है ये मैंशन करना चाहें कि ये एक साइकिले ग्रुप है तो इट्स ओके अगर नहीं करना चाहें तो बेशक आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप ये लिखें जी नाइन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नीचे आप जो है वो मैंशन कर दें कि द जनरेटर आर द रेटिवली द एलिमेंट रिलेटिव नेगेटिवली प्राइम टू नाइन जो प्राइम नंबर होंगे आप टू नाइन के उनको आप जो है वो इसके जनरेटर कहेंगे ऐसे कि जी नाइन वन टू थ्री फोर फाइव थ्री नहीं आएगा वन टू फोर फाइव सेवन एंड एट मतलब इनको आप एडिटिव जो है उस हिसाब से देखिए तो वन में वन ऐड करते जाए नाइन टाइम्स ऐड करें तो आपका नाइन आएगा नाइन को नाइन पर डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका जीरो बचेगा और इसी तरीके से आप जो है वो टू को नाइन टाइम डिवाइड करते जाए और जो भी आंसर आएगा उसको आप जब नाइन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो इसी ग्रुप में से आएगा और उनका जो जी है वो भी वन आएगा और वो सारे एल, एलिमेंट्स जिनका जो जी जो है वो वन आता है मतलब तो सेम सेम आपका जी आएगा जिन एलिमेंट्स का उनको जो है वो आप इसके जनरेटर कहेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर वन था ये थ्री मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो इसमें जो ट्रेनिंग करनी है वो आप जस्ट ये जो थ्री वाला मैंने इसमें मेंशन किया है ये आप स्किप कर सकते हैं और अगर लिखना चाहे तो इट्स ओके ये भी ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है शो दैट सेट ऑफ टू क्रस टू मैट्रिक विद रियल इंट्रीज अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन इज अ ग्रुप यह हमने एक टू क्रस टू का मैट्रिक लेना है और इसकी जो इंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए रियल इंट्रीज होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए हमें बताने की वो अंडर एडिशन जो है जो उसके ऊपर हमने बंडी ऑपरेशन लगाना है वो एडिशन है और वो एक ग्रुप है तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं ये एक थ्योरम आप इसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया है एक मैट्रिक ले लिया है टू प्लस टू का ए बी सी डी हमने एक मैट्रिक लिया है बी द सेट ऑफ ऑल टू प्लस टू मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज अब ए बी सी डी की जगह पे कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं यहाँ पे आपने जो है वो मैट्रिक यही लेना है ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट लेना है आप कोई नंबर नहीं लिख सकते मतलब वन टू थ्री फोर फाइव या कोई खुद से यहाँ पे नंबर ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे आप इन अल्फाबेट्स को चेंज कर सकते हैं ए बी सी डी की जगह पे और आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप अपनी असाइनमेंट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो

प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि अगर दो एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हमने डायरेक्ट यही लिख दिया कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी तो उन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें तो जो, जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी एक रियल मैट्रिक्स ही होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ले लिया उसमें हमें पता है कि तीन एलिमेंट्स होते हैं अगर हम फर्स्ट टू को पहले ऐड करके देन उसमें तीसरे वाला ऐड करें या फिर पहले सेकंड वाले दोनों को ऐड करके देन फर्स्ट वाला ऐड करें तो उन तीनों का आंसर जो है वो सेम आता है तो यहाँ पर हमने लाइट कर लिया कि ये तीन हमारे पास मैट्रिक्स हैं अब इनके वैल्यूज जो है वो बेशक आप जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं अल्फोबेट कोई भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को ले लिया कि अगर हमने ए और बी को पहले ऐड किया देन उसमें सी ऐड किया फिर दूसरी साइड जो हमारी इसकी राइट हैंड साइड है उसमें हमने क्या किया पहले बी और सी को ऐड किया देन हमने उसमें ए को ऐड किया तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई करती है देन जो आपका आइडेंटिटी है एडिशन विद रिस्पेक्ट टू तो एडिशन तो एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है आपकी जीरो होती है तो यहाँ पर हमने मैट्रिक ले लिया एक नल मैट्रिक ले ली क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स की बात है तो हम मैट्रिक ने ले लिया अगर हम ए के मैट्रिक को इसमें ऐड करें तो वही मैट्रिक हमारे पास वापस

द एडिशन आ ग्रुप आई होप स आपको अच्छे तरीके से समझ आगे हो होगी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज